हैं, जब हम बात करेंगे तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड बात, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया, उन एलिमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑर्बिटल के बेस पर है। इसके बेस पर है ऑर्बिटल्स s p d एंड m, ये चार सब सेल के बेस पर पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन। s सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, एक इलेक्ट्रॉन दो, एक p ऑर्बिटल में इसी तरह D5 F7। तो M ऑर्बिटल के जो एलिमेंट्स है वो तो पीरियोडिक टेबल में सेपरेट 7 पीरियड के डाउन साइड अरेंज है, इसलिए यहाँ पर हम अभी F ऑर्बिटल की बात ना करेंगे। D ऑर्बिटल की बात कल आएगी, आज हम स्टडी करेंगे पीरियोडिक टेबल में एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के एलिमेंट्स कहाँ हैं। पीरियोडिक टेबल का जो अरेंजमेंट है वो 7 पीरियड्स में, पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स है, 7 पीरियड, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप और 7 पीरियड्स। नंबर ऑफ पीरियड ऑफ एलिमेंट का कांसेप्ट है कि नंबर ऑफ ऑर्बिट ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट्स के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिट जितने होंगे वो पीरियड का एलिमेंट्स डिसाइड, और ग्रुप का मतलब 18 जो ग्रुप है वो इस तरह है, सपोज ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, ये थर्ड, फोर, फिफ्थ टू 18, इस तरह ग्रुप की डिजाइन, इसको बोलते हैं हम वर्टिकल। और एक होती है इसको हॉरिजॉन्टल, ये इस तरह, ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड, यहाँ पर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और लास्ट में होगा 7, इस तरह 7 पीरियड की पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ पर हम सबसे पहले स्टडी करेंगे एलिमेंट ऑफ एस ग्रुप। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट को क्लासिफाई किया है वो इसके बेस पर किया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में, कौन से ऑर्बिटल में फिलअप है उसके बेस पर क्लासिफिकेशन। एस ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन, एस ऑर्बिटल में तो एक लेफ्ट साइड है, एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो, तो उसके ग्रुप कितने बनेंगे, दो, एक ग्रुप का नाम क्या है फर्स्ट ग्रुप, दूसरे का नाम क्या है सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप की जो ज्योमेट्री है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन है वो क्या बनेगा, NS1, मतलब जब s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हो सिंगल ही तो वो एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप का हो, और अगर मान लीजिए s ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है तो वो एलिमेंट सेकंड ग्रुप का। इस तरह हम पहले फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की बात करें, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की बात करने के बाद हम सेकंड ग्रुप की बात करेंगे। आपको आता है सब, ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, फिफ्थ, सिक्स्थ और लास्ट में होगा 7। नाम बोलते कितने समय आपको लिखना है। सबसे टॉप पर फर्स्ट पीरियड में बाद में यहाँ साइड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, जैसे भी कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का होगा 1, तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा NS1। NS1 है इसीलिए फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो सबसे टॉप पर है अल्कली
सेकंड एलिमेंट कौन लिथियम, थर्ड सोडियम 11, पोटेशियम 19, रूबिडियम 37, सीजियम 55, और लास्ट सेवन रिएक्ट का एलिमेंट है ट्रांसियम 87। देख फर्स्ट एलिमेंट कौन है, फर्स्ट ग्रुप का हाइड्रोजन, सेकंड एलिमेंट लिथियम, थर्ड सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट। अब ये देखें इनको यहाँ रखा क्यों, क्योंकि इनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एनएस वन है, इन सभी का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसे है, तो दूसरा एलिमेंट बनेगा लिथियम 2-1, यहाँ डायग्राम बनेगा वही एन एस वन आउटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का ना नाम लास्ट में कितना 1, मतलब एन एस 1 एन फॉर सेकंड आउट। लिथियम के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। पोटेशियम एन 11 इन द फर्स्ट आर्बिट 2 सेकंड 8 थर्ड 1 एन एस 1। पोटेशियम आप खुद बनाइए, रूबिडियम 37 खुद बनाइए, सीजियम को खुद बनाइए, ट्रांसियम 87 को मैं बना देता हूँ, ट्रांसियम 87 2 8 18 32 18 8 1 ये ट्रांसियम 87 का डाइट। तो सारे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट जिनको हम बोलते हैं अल्के लाइन अर्थ बेटा, क्या बोलते हैं वो अल्के लाइन, सॉरी अल्कली मेटल। सेकंड ग्रुप की मेटल का नाम क्या है, अल्के लाइन अर्थ मेटल। तो पहले फर्स्ट ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को डिजाइन करें, जब आप बना रहे हैं या साथ मॉलिक्यूल फिर आगे पढ़ते हैं। तो आप बनाते हैं कि हाइड्रोजन 1 NS1, लिथियम 3 2-1, सोडियम 11 2-8-1, पोटेशियम 2-8-8-1, रूबिडियम 2-8-18-8-1, सीजियम 55 2-8-18 फिर से 18-8-1, ट्रांसियम का बोर्ड पर लिखा हुआ 87 नोट करिए। फिर आते हैं हम सेकंड ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में जब आप स्टडी करेंगे तो सेकंड ग्रुप में हाइड्रोजन के पास कोई भी एलिमेंट नहीं है। यहाँ लिथियम के बाद कौन आएगा, बेरिलियम 4, मैग्नीशियम 12, कैल्शियम 20, एसआर 38, बेरियम 56 एंड रेडियम 88। अब जब आप इनके नाम सुन लिए आपने, फर्स्ट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम देख लो, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन डिजाइन करते समय आपको यही ये ध्यान रखना है कि इनके आउटर मोस्ट में एक के प्लेस पर दो इलेक्ट्रॉन होना ही, हाइड्रोजन का कॉन्फिगरेशन हटा दीजिए और बाकी सबके डिजाइन कर लीजिए। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं बनाइए बना हुआ। इसके बाद फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे।
एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक। सेकंड में कौन है? बेरिलियम 4, फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 2, मैग्नीशियम 12, 2, 8, 2, कैल्शियम 20, 2, 8, 8, 2, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे NS2 प्लस स्ट्रक्चर। एस आर 38, 2, 8, 18, 8, 2, बेरियम 56, 2, 8, 18, 18, 8, 2, रेडियम 86, रेडियम 88, 2, 8, 18, 18 के बाद आएगा 32, फिर 18, फिर 8 और लास्ट में होगा 2। ठीक है, डायग्राम सबने बना लिए। अब डायग्राम के बाद आपको इनकी प्रॉपर्टी की स्टडी करना। तो हेडिंग लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के एलिमेंट की प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक हेडिंग लिखिए और प्रॉपर्टी को समझते चलिए, लिखते द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल ऑफ एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक NS1 and NS2, NS1 and NS2. Second property, element of first group, elements of first group called alkali metals, called alkali metals, and elements of second group, elements of second group is called alkaline earth metal, alkaline अर्थ मेटल। थर्ड प्रॉपर्टी, दे हैव प्लस वन एंड प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट, दे हैव प्लस वन एंड प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट। इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डेफिनेट है, फर्स्ट ग्रुप का कितना है प्लस वन, सेकंड ग्रुप का कितना है प्लस। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब समझते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है ये एलिमेंट कॉम्बिनेशन के टाइम, मोल फॉर्मेशन के टाइम प्लस वन मतलब एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, ऑल आर बेसिक इन नेचर। ये बेसिक नेचर के होते हैं, इनके ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ऑक्साइड ऑफ ऑल मेटल आर बेसिक इन नेचर। It means
it means their oxide, it means their oxide react with water to form basic solution. To form basic solution. Fifth property. They form ionic compound. Except lithium and beryllium. Lithium and beryllium. Lithium or beryllium ना covalent character slightly. बाकी mainly जितने भी compound है वो सब ionic compound का form. अगली property. They are most reactive metals. They are most reactive metals and we have as इसी में लिखिए and we have as strong reducing agent strong reducing agent. ये स्पॉन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं. लास्ट प्रॉपर्टी दे गिव्स कलर्ड फ्लेम. दे गिव्स कलर्ड फ्लेम. दे गिव्स कलर्ड फ्लेम विद बुनसन बर्नर. With Bunsen burner, Bunsen burner के साथ एक colored flame देते हैं. Except beryllium and magnesium. Beryllium और magnesium नहीं देते क्योंकि इनकी IUPAC की value बहुत ज्यादा है other element की compared. चलिए इस बात की प्रॉपर्टी हुई. अब बात करें हम एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक. कौन से एलिमेंट की बात करेंगे? पी ब्लॉक के. पी ब्लॉक के एलिमेंट. पी ब्लॉक का एलिमेंट बोलेंगे किसको? पी ब्लॉक का एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ हो? पी सबसे. कहाँ हो लास्ट इलेक्ट्रॉन? पी सबसेल में. और पी सबसेल में तीन ऑर्बिटल है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन सिक्स होंगे. कभी एक भी हो सकता है. जब इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में एक है तो समझ लेना वो एलिमेंट कौन से ग्रुप का है. 13 ग्रुप. क्योंकि पी ब्लॉक 13 ग्रुप से स्टार्ट होता है. अगर पी ब्लॉक में दो इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहाँ पर ये ग्रुप बन जाएगा 14. अगर पी ब्लॉक में तीन इलेक्ट्रॉन है तो वो बनेगा 15 ग्रुप का एलिमेंट. अब यहाँ हम मल्टीपल ला से पहले ग्रुप. अगर फोर्थ आ जाए तो 16 ग्रुप. फिफ्थ आ जाए तो 17 ग्रुप. और कंप्लीट फुलफिल हो जाए तो 18 ग्रुप का एलिमेंट उसका नाम बनेगा. अब यहाँ कौन है? ये फर्स्ट पीरियड. फर्स्ट पीरियड में पी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं हो सकते क्योंकि फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट पीरियड फर्स्ट ऑर्बिट में पी ऑर्बिटल नहीं होता. केवल 18 ग्रुप में यहाँ कौन होगा? हीलियम 2. ये एस ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन लास्ट रखता है इसलिए हीलियम 18 ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है नोबल गैसेस. बाकी यहाँ 13 से लेकर 17 तक फर्स्ट पीरियड में कोई भी एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा. तो सेकंड पीरियड की बात करें थर्ड पीरियड की बात करें
फोर्थ की बात करें, फिफ्थ की बात करें और सिक्स्थ पीरियड की बात करें। तो सबसे पहले हम थर्टी ग्रुप की बात करेंगे जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, NP1। इसमें सबसे पहला एलिमेंट होता है बोरान 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अलग से बोलेंगे आपको बाद में। एल्यूमिनियम 13, गैलियम 31, इंडियम 49 एंड थेलियम 81। ये पी ब्लॉक के पांच एलिमेंट्स है, तीन में आप ध्यान से लिखिए, पांचों एलिमेंट आपको नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट है बोरान, सेकंड एलिमेंट एल्यूमिनियम, थर्ड गैलियम 31, इंडियम 49 और थेलियम 81। ये पांच एलिमेंट 13 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। इस फैमिली का नाम फर्स्ट एलिमेंट के नाम पर फेमस है बोरान फैमिली। पहले इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाएंगे, मैं यही सीक्वेंस में बनाऊंगा, आप अपना अलग से बनाएंगे। फर्स्ट हार्मोनिक 2, सेकंड 3, ये बोरान की ज्योमेट्री। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या बनेगा, NH2NP1। पी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसको थर्टीन ग्रुप में जगह मिली। बोरान के पास ऑर्बिट 2 है इसलिए सेकंड पीरियड का एलिमेंट, ऑर्बिट का नंबर जितना होगा उतने पीरियड का एलिमेंट बन जाएगा। एल्यूमिनियम 13, 2 एंड 3, डायग्राम वही रहेगा, एल की वैल्यू बदलती चलेगी, NH2NP1 मतलब फर्स्ट है। एल्यूमिनियम में डी ऑर्बिटल हो सकता है क्योंकि इसका वैलेंस इज एल थर्ड ऑर्बिटल, बट बोरान में डी ऑर्बिटल ऑब्सेंट होता है। हीलियम 31, 2, 1, 18, 3, यही डायग्राम होगा। इंडियम 2, 1, 18, 18 लास्ट 3, वही NH2NP1। हीलियम 2, 1, 32, 18 लास्ट 3, डायग्राम एज इट इज। बनाइए सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, उसके बाद 14 ग्रुप की बात करते हैं। 13 ग्रुप के सारे एलिमेंट्स बना रहे हैं। जब डायग्राम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बना लें या साथ में लिखिए, फिर आगे की बात करते हैं कार्बन फैमिली। चलिए बना लिया सबने डायग्राम, हाँ ना बोले, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब ग्रुप आता है 14। फोर्टीन ग्रुप में अब आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको बनाते चलना है, बोरान फैमिली में इनके तीन स्थान पर इंक्रीज करना है। और कार्बन फैमिली की बात करेंगे, कार्बन फैमिली का सबसे फर्स्ट मेंबर कार्बन से सिलिकॉन 40, जर्मेनियम 32, SN50 एंड Pb 82। कार्बन फैमिली में
फिर से वही पांच मेंबर है, कार्बन 6, सिलिकॉन 14, जर्मेनियम 32, एसएन 50, केबी 82। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन डिजाइन करूंगा, फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 4, डायग्राम बनेगा NH2 NP2, AFPR भी डाल दें, दो इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, सिलिकॉन 284 एज इट इज डायग्राम, ऑर्बिट का नंबर चेंज हो जाएगा 3s2 3p2, जर्मेनियम 32 2f18 32 2f18 4a1 32 Sn 50 2f18 double 18 4 वही ns2 np2 pb32 2f18 32 18 last 4 outer configuration same। ठीक है, बनाइए डायग्राम। ये कार्बन फैमिली में पांच एलिमेंट्स है, आउटर में आपको NH2 NP2 मिलेगा, कार्बन 6 सिलिकॉन 14 जर्मेनियम 32 Sn 50 NPb 82। अब ग्रुप 15 में चलते हैं, ये मिला दो, नोट किया होगा आपने, फिफ्टीन ग्रुप में चलते हैं। 15 ग्रुप पे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते चल, जैसे कार्बन 6 तो अगला कौन आ जाएगा, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, क्लोरीन 9, और यहाँ आ जाएगा निमान 10, ये बन गए सारे ग्रुप पे 15 से लेकर 18 ग्रुप तक का डिस्ट्रिक्ट बनाया, क्योंकि यहाँ सिक्वेंस याद रखना आसान, ये वाली सिक्वेंस याद रखना थोड़ा मुश्किल। सिलिकॉन 14 फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, यहां से काउंटिंग सीक्वेंस 32, तो आर्सेनिक 33, सेलेनियम 34, ब्रोमीन 35 एंड आर्गन क्रिप्टॉन 36, यानी एसएन 50 तो SB51 एंड 52 एल्यूमिनियम 52 आयोडीन 53 एंड ज़िनॉन 54 बिस्मथ 83 पॉलीनियम 84 यहाँ हो जाएगा ऑस्टेटिन 85 लास्ट बचेगा ज़िनॉन 86। ये पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स से आप लाइंस इनको नोट करिए, पूरी पीरियोडिक टेबल के 13 ग्रुप से 18 ग्रुप तक के एलिमेंट डिजाइन कर दिए, दो के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझा दिए, बस इनमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन उसी तरह की ब्लॉक में इंक्रीज होता है। बनाइए डायग्राम, चलिए अब लिखिए, नोट कर लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक,
प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक, सामने आपके एलिमेंट पी ब्लॉक के बने हुए हैं, अब इनकी प्रॉपर्टी की स्टडी करना है। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक, लिखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी, पी ब्लॉक एलिमेंट की फर्स्ट प्रॉपर्टी है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक NS2 NP126, एस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में पी ब्लॉक में, NS2 NP126, 1 से 6 तक इलेक्ट्रॉन को देंगे, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। सेकंड प्रॉपर्टी लिखिए देयर ऑक्साइड, देयर ऑक्साइड और एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, सम ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, एंड सम ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक इन नेचर। इसमें तीनों टाइप के ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड भी है, मतलब पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है उनके ऑक्साइड एसिडिक नेचर के भी मिलेंगे, कुछ बेसिक नेचर के हैं, और इसमें से कुछ एलिमेंट के एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक इन नेचर में लिख लीजिए कौन कौन से एलिमेंट आपको मिलेंगे, एल्यूमिनियम, इसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का, SN, PB, ये तीन इसमें फेमस है, जर्मेनियम का भी एम्फोटेरिक होगा, आर्सेनिक का भी एम्फोटेरिक, बाकी एल्यूमिनियम, SN और PB, ये तीन आपको बराबर याद रखना है, इनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के, ठीक है, एल्यूमिनियम, SN एंड PB। पीरियोडिक टेबल में जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो अपर लेयर के हैं, जैसे थर्ड पीरियड के टॉप मोस्ट एलिमेंट, ये एसिडिक नेचर के होते हैं, तो जैसे जैसे ग्रुप में हम डाउन करेंगे मूविंग, तो बेसिक नेचर इंक्रीज होगा, एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा। लिख लीजिए इसको, एल्यूमिनियम, SN एंड PB, एम्फोटेरिक इन नेचर। डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज है, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज है, इनमें सभी फैमिली के नेम लिख लीजिए, कौन सी फैमिली को किस नाम से हम जानते हैं। सबसे पहले आपके सामने है बोरान फैमिली, 13 ग्रुप का नाम बोरान फैमिली। सेकंड जो 14 ग्रुप के एलिमेंट्स है वो टॉप मोस्ट एलिमेंट कार्बन फैमिली के नाम से है, फर्स्ट का नाम बोरान फैमिली, सेकंड का नाम कार्बन फैमिली, थर्ड का नाम है नाइट्रोजन फैमिली, बट निकोजन फैमिली के नाम से भी इसको बता रहा, PNICOGPF, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंड बिस्मथ, इस फैमिली का नाम निकोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली के नाम से भी इसको जाना।
अगली फैमिली है ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं चैलकोजन फैमिली। चैलकोजन फैमिली ऑक्सीजन फैमिली का नाम है और इसको बोलते हैं ओस्मेटा। चैलकोजन का मतलब ओस्मेटा, तो ऑक्सीजन फैमिली का ये नाम है। अगली फैमिली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, ये हेलोजन फैमिली के नाम से फेमस है, जिसको हम बोलते हैं साल्ट मेटर। ये सभी सी वाटर में साल्ट मेकिंग का काम करती है, तो इस फैमिली का नाम हेलोजन फैमिली। लास्ट फैमिली का नाम आपको पता है, ये नोबल गैस के नाम से फेमस है, इनर्ट गैस, नोबल गैस, जो कि इनका आपके कंप्लीट। अगली प्रॉपर्टी पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, दे फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन था, ये पी ब्लॉक का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आता है एलिमेंट्स ऑफ बी ब्लॉक। बी ब्लॉक के एलिमेंट की स्टडी करने से पहले हम ये समझेंगे एस ब्लॉक कहाँ था। एस ब्लॉक पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में था, जो पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट साइड। राइट साइड में जाओ तो 13 ग्रुप से 18 ग्रुप तक कौन आया अभी पी ब्लॉक के, कितने ग्रुप कंप्लीट हो गए, फर्स्ट सेकंड 13 to 18। अब बीच में कौन बचा, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये सारे ग्रुप 3rd to 12th ग्रुप में पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आए। और आपको पता है बी ब्लॉक में टोटल इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, तो उसके टोटल ग्रुप कितने हैं, 10। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, B1, इसका B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 और लास्ट में B10। इस तरह इनका इलेक्ट्रॉनिक आउटर मोन कॉन्फिगरेशन होगा। डी ब्लॉक के एलिमेंट को समझने के पहले आपको एन प्लस एल ग्रुप वापस से रिवाइज करना, जिनको पता है वो आंसर देंगे और जिनको नहीं पता है वो इसको समझेंगे। एन प्लस एल ग्रुप के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में इंटर होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर होगा, आर्टिकल ऑफ लोअर एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल के आर्टिकल में इंटर होता है, ये एन प्लस एल ग्रुप का फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर एन की वैल्यू दो आर्टिकल के लिए सेम है तो इलेक्ट्रॉन पहले वहां आएगा जिसमें एन की वैल्यू लोवेस्ट हो, ये एन प्लस एल ग्रुप का सेकंड स्टेप है। दोनों शायद आपको पता है, अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसको पहले भी रिवाइज किया था, अभी फिर से आपको समझाते हैं। एल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल एजीमुथल क्वांटम, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू फिक्स है। क्या है वैल्यू एल की, वैल्यू ऑफ एल, एस फॉर 0, पी फॉर 1, बी फॉर 2 और एफ फॉर 3। ये एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू फिक्स, ये बदलेगी नहीं कभी। और एन ये तो वेरिएबल फैक्टर, ऑर्बिट का नंबर है बदलता रहता है, तो एन प्लस एल रूल आप आओ प्रिंसिपल। एन प्लस एल रूल का मतलब है इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फ्रॉम ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी लेवल, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, लोअर एनर्जी लेवल। लेकिन हम डिसाइड कैसे करेंगे वो लोअर एनर्जी लेवल का है, आर्बिटल या हायर एनर्जी का, कंपैरेटिवली हमें
ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो एन प्लस एल टू से डिसाइड करना है। और फर्स्ट स्टेटमेंट है एन प्लस एल का कि जिसके लिए ऑर्बिटल के लिए एन प्लस एल की वैल्यू लोवेस्ट होगी इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में इंटर होगा, और अगर दो ऑर्बिटल के लिए एन प्लस एल की वैल्यू सेम आई तो इलेक्ट्रॉन पहले वहां इंटर होगा जहां इनकी वैल्यू लोवेस्ट है। अब सबसे पहले सामने आपके कौन आएगा, 1s, इसमें n प्लस एल लगाई समझना, 1s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 2s, फिर कहाँ जाएगा 2p, फिर कहाँ 3s, फिर 3p, बाद में देखेंगे आप क्या होगा, समझिए बोर्ड पर, n प्लस एल 1s, इसमें n की वैल्यू क्या लिखी है 1, एल की वैल्यू क्या होगी एस के लिए 0, इसका मतलब एन प्लस एल की वैल्यू 1 है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s ऑर्बिटल में था। अब हम लिखते हैं इसे 1s2, फिर क्या लिखते हैं 2s2, मतलब सेकंड टाइम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 2s2 में, क्यों तो एन प्लस एल की वैल्यू क्या है उसके लिए 2 + 0 = 2, तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s फिल अप करेगा फिर 2s2, अब कहाँ जाएगा 2s2 के बाद हम क्या लिखते हैं मतलब पी में जाएगा, तो पी के लिए एन की वैल्यू 2 और पी के लिए 1, इसका आंसर बना 3, तो एन प्लस एल की वैल्यू 1, 2, 3 के सीक्वेंस में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा फिर 2s में फिर 2p6, 2p6 के बाद कहाँ इंटर होगा 3s, एन की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 0, आंसर बना। अब यहाँ प्रॉब्लम आ गई, 2p और 3s के लिए n plus l की वैल्यू सेम है पर इलेक्ट्रॉन पहले इंटर कहाँ करेगा 2p, क्योंकि n की वैल्यू लो है। अब ये आया 3s2, इसके बाद आएगा 3p6, n plus l की वैल्यू लगाओगे n की वैल्यू 3, p1 4, n plus l की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। अब चलते हैं 4s 3d, 4s के लिए n plus l की वैल्यू क्या है 4 + 0 = 4, और 3d के लिए n plus l की वैल्यू क्या है 3 + 2 = 5, तो बताओ 3d के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा कि 4s में जाएगा, 4s कहाँ है 4s तो ऑर्बिट चेंज कर चुका और 3d तो 3p के नजदीक हो, तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा 4s2, 3p6 के बाद कहाँ जंप होगा 4s2, हो गया कंप्लीट 4s2, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर होगा 3d, तो 3d तो यहाँ होगा नहीं, ये है n प्लस एल। नोट करिए वापस से सभी 11th के जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, n प्लस एल रूल को बोर्ड पर से नोट करिए, और इसको याद रखिए क्योंकि यही आपको डीप लॉक के एलिमेंट के बारे में बताएंगे। पहले इलेक्ट्रॉन 1s को इंटर होगा फिर 2s, 2p6, ये सीक्वेंस है, प्लस एल ग्रुप 3s2, 3p6, 3p6 के बाद इलेक्ट्रॉन 4s2 में जाएगा क्योंकि 3p से एनर्जी हायर 4s की और 4s से बड़ी एनर्जी 3d की होती है। 4s2 कंप्लीट होने के बाद इलेक्ट्रॉन रिटर्न होता है, या तो ऐसा बोलिए रिटर्न होता है या ऐसा बोलिए कि हायर एनर्जी लेवल को जब करेगा, मतलब 3d में जाएगा कुल मिलाकर बाद में। अब इसी रूल रेगुलेशन को मैंने आपको डिवाइस किया और इसी रूल रेगुलेशन से डीप लॉक के एलिमेंट थर्ड ग्रुप से लेकर 12 ग्रुप तक डिस्ट्रीब्यूट है। सबसे पहला एलिमेंट स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वैनेडियम 23, क्रोमियम 24, AMN 25,
A3 26, O5 27, A9 28, कॉपर 29 और इसके एलिमेंट का नाम लास्ट का जिंक 30। इसके अंदर प्रतिमान का डायग्राम बनाऊंगा, उसी में आप एक एक इलेक्ट्रॉन सब में इंक्रीज कर लेना, सबसे डायग्राम बन गया। इसके अंदर प्रतिमान में फर्स्ट ऑर्बिट में रखिए 2, सेकंड 8, थर्ड 9, लास्ट 2। ये इसके अंदर प्रतिमान का डायग्राम। जब आप इसका डायग्राम बनाओगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो 1s2 2s2 2p6, ये हुआ ये हुआ, थर्ड ऑर्बिट में 9 इलेक्ट्रॉन, 3s2 3p6 3d1, लेकिन 3d1 बाद में आता है, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 4s2। पीरियोडिक टेबल लास्ट इलेक्ट्रॉन के बेस पर डिसाइड है कि एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में फिल अप होता है वो एलिमेंट उसी के नाम से फेमस होता है। स्कैंडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d1 में, इसका मतलब ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है और ये डी ब्लॉक की फर्स्ट रो। क्रोमियम का एक्सेप्शनल केस है, क्रोमियम में एक्सेप्शनल केस है, क्रोमियम का डायग्राम होता है 3d4 4s2 और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड आएगा, डायग्राम बनेगा 3d5 और s1, इसी का नाम ग्राउंड स्टेट होता है, 3d5 4s1 और 3d4 4s2 एक्साइटेड स्टेट के नाम से फेमस। और इसी तरह कॉपर 29 में भी एक्सेप्शनल केस है, कॉपर 29 का डायग्राम होगा 3d9 4s2, बट स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड आएगा 3d10 4s2, ये कॉपर की ग्राउंड स्टेट है। दो एक्सेप्शनल केस है इसमें, और ये मान करके चलिए ये केवल दो ही एक्सेप्शनल केस नहीं है, इसके सीक्वेंस में जितने भी एलिमेंट डाउन साइड आएंगे वो सब इसी तरह करेंगे, ठीक है। चलिए बस आज की कहानी यही खत्म करते हैं, कल फिर मुलाकात करेंगे इसी के बाद।